आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? आप लोग को मना किया है फिर भी आप लोग कैबिन में आते जाते रहते हैं। मैडम हम लोग यहाँ पे नहीं आए हैं, हमको थोड़ी प्रिंसिपल बनना है। मतलब हमारी जो पढ़ाई है वो तो सालों पहले हो चुकी मैडम, हम नहीं आए। तो अगर आप लोग कैबिन में नहीं आए हैं तो मुझे कैबिन में सामान बिखरा हुआ कैसे मिलता है? सॉलिड आईडिया आया हो मैडम। अपना एक काम करो, अपने कैबिन में ना वो क्या बोलते सीसीटीवी कैमरा लगा दो। हाँ, कौन आता है जाता है आपको सब पता चल जाएगा। थैंक यू फॉर द सजेशन। इट्स ओके। लेकिन मैंने कैमरा ऑलरेडी लगा लिया और अब जो यहाँ छुप छुप के आता है ना वो रेड हैंडेड पकड़ा जाएगा। अरे मैडम तो अगर लगा ही लिया है ना तो देख ही लीजिए कि कौन आता है कौन जाता है पता चल जाएगा। हाँ। लेकिन ये शेल्फ में से किताबें अपने आप कैसे गिर रही हैं? हाँ मैडम, हवा से तो किताब के पन्ने उड़ सकते हैं, लेकिन ये किताब अपने आप कैसे नीचे गिर गई? कहीं अब ये भूत वाली बात फैलेगी और किसी को भी हम पर शक नहीं होगा। तो आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कोई सुपरनैचुरल पावर है? ये वीडियो देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि आपके केबिन में ना किसी भूत प्रेत का साया है। आई थिंक जब तक ये पता नहीं चलता कि ये सब कैसे हो रहा है मुझे अपना केबिन चेंज कर लेना चाहिए। माता जी आपकी रक्षा करे हो मैडम। अरे वाह, एक बंसुरी बजाकर तुमने उस लड़की का दिल जीत लिया। मुझे भी बंसुरी बजाना सीखना चाहिए, किसी का दिल मुझे भी जीतना है। ब्रिगेंजा, फालतू बातों पर से अपना फोकस हटाओ और तुम्हें जिस काम के लिए लाया हूँ उस काम पर ध्यान दो। हाँ, बता मुझे अब आगे क्या करना है। ये देख रहे हो, हमें किसी भी तरह अनन्या को इस एम्बुलेंस में लाकर बिठाना है ताकि जब नकाबपोश उसे बचाने के लिए आए चुटकी बजा के एम्बुलेंस की चाबी लेकर आता हूँ। आई मीन आती हूँ, अब देखो मुझे और सीखो मुझसे। अभी हमने जो देखा क्या उसका मतलब यह है कि शिंकाई से जो लोग यहाँ पर आते हैं और जिसने यहाँ आने के लिए खुफिया रास्ता बनाया है वो लोग अदृश्य होकर यहाँ आते हैं? भैया मेरा सामना तो सिर्फ पानी के बुलबुले से निकले आदमी से हुआ था, लेकिन आपका सामना तो घोड़ा मानव से भी हुआ है। सो आपको क्या लगता है कि हम उन लोगों के पास गायब होने की कोई पावर है? पता नहीं विवान, पर वो लोग जो भी है फिर से धरती पर आने की कोशिश जरूर करेंगे। आई एग्री। और शिंकाई से धरती पर आने के लिए उन्हें एक नया सीक्रेट डोर बनाना पड़ेगा। यस विवान, हमें तुरंत जाकर उस नए सीक्रेट डोर को ढूंढना चाहिए। अब अगर हमें उनसे जीतना है तो हमें उनसे दो कदम आगे रहना पड़ेगा। करेक्ट भैया, लेट्स गो। चलो। बताइए ना मैडम, क्या हुआ है आपको? दिल में हार्ट अटैक हुआ है। इधर इधर आ, आ। चलो चलो इनको हॉस्पिटल ले चलो, ये बहुत तेज चिल्ला रही हैं। लगता है इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। चलो चलो। ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन नहीं, आप मुझे एम्बुलेंस का एक राउंड दिलवा दो, हार्ट अटैक खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अरे चलो, पेशेंट को कब्र तक ले जाना हमारी ड्यूटी है। अरे इनका मतलब है हॉस्पिटल तक। चलो अंदर। अच्छा चलो अंदर।
चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। ट्राय और प्रे लेकिन छोड़ेगा नहीं रे। पाल पाल बच गया। अरे अरे क्या रे, तुम सही समय पर आ गए, वरना मुझे सचमुच का हार्ट अटैक आ जाता। मैं तो तुमसे सीख रहा था मिस प्रेगेंजा कि विलन कैसे बनते हैं। अब नेक्स्ट मूवी मुझे तुम सिखाओगे या फिर मैं बताऊं? नहीं 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 नहीं, बहुत हो गया सीखना समझना, अब तुम ही बताओ आगे क्या करना है रे। Listen carefully. यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, पता नहीं शिंकाई वालों का अगला सीक्रेट टूर कहाँ बनने वाला है। ये बिना ड्राइवर के एम्बुलेंस कैसे आ रही है? शिंकाई वालों का नेक्स्ट अटैक तो नहीं? मैडम जी, कौन? बोलिए। ये क्या मजाक लगा रखा है आपने? एम्बुलेंस इतनी बड़ी और ये इतनी छोटी, ये कैसा कॉम्बिनेशन हुआ? मेरी तो सिर्फ हाइट कम है, लेकिन आप लोगों की तो सोच की हाइट कम है। अरे अरे अरे, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कम हाइट वाले लोग एम्बुलेंस नहीं चला सकते, लेकिन आंटी आंटी डोंट कॉल मी आंटी, कॉल मी मिस ब्रिगेंजा। ओके मिस ब्रिगेंजा, एक बात बताइए, जब आप ड्राइविंग सीट पे बैठी हुई थी तब आप खुद नजर नहीं आ रही थी, तो आपको रोड कैसे नजर आ रही होगी? कोई टक्कर वक्कर हो जाती तो? सी या वो रहा विंडस्क्रीन पर मोबाइल। नाउ सी, अच्छा मोबाइल है, महंगा है। Shut up, मुन्ना। अबे, अबे। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था? रहा था? कर रही थी, बात कर रही थी। ये जो विंडस्क्रीन पे लगा हुआ मोबाइल रोड का वीडियो मेरे इस मोबाइल पे रिले करता है, और मैं एम्बुलेंस आराम से चला लेती हूँ। लेकिन आप यहाँ एम्बुलेंस लेकर आई क्यों थी? हाँ, वो क्वारंटाइन सेंटर में ऑक्सीजन सिलेंडर की डिलीवरी करनी है। ओह हाँ, तो चलिए ना, हम सिलेंडर अनलोड करने में इनके हेल्प करते हैं। अरे अरे, ये ऑक्सीजन सिलेंडर से मिठाई के डब्बे नहीं की मटकियों की तरह झूमने लगे तुम लोग। अरे हम तो आपकी हेल्प कर रहे हैं मिसेस ब्रिगेंजा। तुम डॉक्टर हो? नहीं। वार्ड बॉय हो? नहीं। तो पीछे हटो, सिर्फ ट्रेंड मेडिकल पर्सन ही ऑक्सीजन सिलेंडर उतार सकते हैं। ओके चलो, अब निकलो यहाँ से।
चलो ये भी सही है, सिलेंडर अनलोड करने में टाइम खर्च नहीं करना पड़ेगा। देवू भैया कॉलेज का एरिया स्कैन कर रहे हैं, टिल देन मैं भारत नगर में स्कैनिंग कर लेता हूँ। जब से चिंटी अपने मामा के घर गई है तब से मुझे आइडिया देने वाला कोई राह ही नहीं है। मुझे विवान की हीरो की चूर चूर करनी है, मुझे उसकी चटनी बनानी है। अच्छा हुआ आप आ गए। टेंशन नॉट चिंटू, तेरा मोंटू भैया इस बार चेस का क्रैश कोर्स करके आया है। चेस में क्रैश कोर्स? क्यों? क्योंकि विवान ने ना लास्ट टाइम मुझे आर्म रेसलिंग में पटका था ना, लेकिन इस बार मैं उसे दिमाग के दंगल में पटकूंगा, और ऐसा पटकूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। वेरी गुड भैया। अच्छा तो बताओ क्या प्लान सोच कर आए हो आप? सिर्फ सोच कर नहीं आया हूँ, मैं तो प्लान का जाल बिछा कर आया हूँ। इस बार चिंटू का, चिंटी का और खुद का बदला लेगा रे तेरा मोंटू। यस, तो ठीक है मोंटू भैया, मैं विवान को आपके जाल तक लेकर आता हूँ। अरे विवान, तुमने वो भारत नगर की स्ट्रीट न्यूज़ सुनी क्या? चिंटू प्लीज, मैं अभी मजाक के मूड में नहीं। ओ हेलो, मैं कोई मजाक वजाक नहीं कर रहा हूँ, और अगर तुम्हें खुफिया दरवाजे के बारे में नहीं जानना है तो मैं चलता हूँ। एक मिनट, कौन सा खुफिया दरवाजा, कहाँ देखा तुमने? तुम्हें क्या, तुम तो डू नॉट डिस्टर्ब मूड में हो ना, मैं जाके गिरबड़े अंकल को बता देता हूँ। अरे अरे एक मिनट, गिरबड़े अंकल को बाद में बताना, पहले मुझे बताओ कहाँ है वो खुफिया दरवाजा। मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ ये न्यूज। उस तरफ है खुफिया दरवाजा। आखिर वो शंका वाले गुप्त दरवाजा कहाँ बना सकता है? अब किसका फ्लश रिपेयर करना है मिस्टर देबू? तुम क्या कोई प्लंबर हो जो मेरे हेल्प करोगे फ्लश ठीक करने में? प्लंबर की सर्विसेज तो नहीं देता मैं, लेकिन हाँ अच्छे अच्छों के दुम ठीक करना मुझे बहुत अच्छे से आता है, यू नो व्हाट आई मीन। दुम? पर मुझे तो यहाँ पर कोई दुम नहीं दिख रही। आप कहना क्या चाहते हैं, थोड़ा इलेबोरेट कीजिए ना प्लीज। इतनी बार वॉर्न करने के बाद भी तुम मुझे आप प्रिंसिपल ऑफिस के पास भटकते हुए क्यों नजर आते हो? भटकते हुए तो आप भी मुझे दिख जाते हैं। आई टोल्ड यू मैं रिसर्च कर रहा हूँ। तो मैंने भी तो कहा कि मैं यहाँ पे सोशल सर्विस करने आया हूँ, क्वारंटाइन सेंटर में जो प्रिंसिपल ऑफिस के बिल्कुल पीछे है, तो इस रास्ते पे मेरा आना जाना तो लगा रहेगा और हमारी टकरार होती रहेगी। एक्सक्यूज मी, इस रिसर्च असिस्टेंट रे की नजर में आए बिना मुझे अपनी खोजबीन चालू रखनी होगी। स्वामी, मैं आपके कहने पे एम्बुलेंस को कॉलेज के पिछले वाले हिस्से में ले आया। अब जल्दी जल्दी बताइए कि आगे का प्लान क्या है। प्लान बहुत सिंपल सा है। ब्रिगेंजा, हाँ? एम्बुलेंस में जाना? जी सुंदरी जी। सुंदरी जी, मैं आ गया। जैसे ही वो लड़की इस एम्बुलेंस के पास आई, इस लॉक के असर से वो इस एम्बुलेंस में बंद हो जाएगी। समझ में आया रे? कम बोलना, ज्यादा सुनना, और उससे भी ज्यादा समझना। This is my style, Lydia. लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद
इस फायर डिवाइस से ये एम्बुलेंस आग की लपटों में घिर जाएगी। अच्छा ऐसे बचाओ स्वामी सुंदरी के, अरे डेमोस्ट्रेशन देने के चक्कर में आप मेरा अंतिम संस्कार करने वाली है क्या? मैं इतनी देर से यहाँ पर खड़ा हूँ फिर भी नहीं चला। ये सचमुच की आग है या फिर प्यार की आग है? इस फायर मशीन की यही खासियत है कि इससे सिर्फ वो लड़की अनन्या चलेगी। उस नकाबपोश पे इस आग का कोई असर नहीं होगा। That's amazing, lady. अब लगे आप ये भी बता दीजिए कि हम उस नकाबपोश को कैसे कैप्चर करेंगे? इस डिवाइस से एम्बुलेंस के अंदर की आग एक जाल में कन्वर्ट हो जाएगी और वो नकाब पोश इसमें फंस जाएगा। फिर कैसे तो मिल गया थी फोन अंदर? एस I like it, Lydia. Ray, तुमने उस लड़की को कॉलेज में ही बुलाया है ना? Yes, Mr. B. वो लड़की मेरे बातों से इतना हिप्नोटाइज हो गई है कि मैं जब बुलाऊंगा, जहां बुलाऊंगा, वो आ जाएगी। हाँ मॉम, मुझे आने में देरी हो जाएगी आज। टेक चेयर? ओह, आपका मतलब है टेक केयर? ओके मॉम, आप ही ध्यान रखिएगा। बाय। कॉफी पिलाने ले जाऊंगा बोलकर एक घंटे से वेट करवा रहा है ये रे। बहुत ही ज्यादा भाव खाता है ये। पर कोई बात नहीं अनन्या, लाइफ में बेस्ट चीजों के लिए वेट तो करना ही पड़ता है। Oh my God, ये क्या है? तुम्हें भी वायरस का इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है ना? वायरस का इन्फेक्शन तो नहीं, लेकिन हाँ वो विसल बजाने की प्रैक्टिस करते करते मेरी बॉडी में ऑक्सीजन जरूर कम हो गया। रे, कम ऑन, ऐसे पीछे मत मारो। और सच बताओ तुम इस सिलेंडर के साथ क्या कर रहे हो? हम तो कॉफी पीने जाने वाले थे ना? Yes, बिल्कुल जाने वाले थे, बट अभी उससे पहले मुझे ये ऑक्सीजन सिलेंडर क्वारंटाइन हॉल के अंदर पहुंचाने हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। आई होप यू डोंट से अनन्या। एक घंटे से मैं तुम्हारा कॉफी पीने के लिए वेट कर रही हूँ और तुम मुझे बोल रहे हो कि मुझे एक घंटे और वेट करना पड़ेगा? That's not fair. Please try to understand, Ananya. मैं टीम मलिष्का के ऑर्डर्स को डिसओबे नहीं कर सकता। क्यों?
ना ही मैं अपने दिल के ऑर्डर्स को डिसओबे कर सकता हूँ। लेकिन अगर तुम वेट नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, कल पी लेंगे कॉफी। अरे नहीं नहीं, कॉफी तो हम आज ही पियेंगे। इफ यू वॉन्ट तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। लाओ दो। तो तुम ये ऑक्सीजन के सिलेंडर्स उठाओगी? हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है मैं लड़की हूँ तो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं उठा सकती? नो नो, आई मीन टू से दैट कितनी क्यूट सी हो, नाजुक सी हो। डोंट चैलेंज मी रे। रे चैलेंज देता नहीं, लेता है। हाँ तो आज अनन्या भी चैलेंज ले रही है। बताओ बाकी के सिलेंडर कहाँ रखे? ओके, अगर तुम्हें मेरी हेल्प करनी है तो बाकी के सिलेंडर्स वहां एम्बुलेंस में रखे नीचे। तुम जाकर दूसरा सिलेंडर ले जाओ, तब तक मैं ये अंदर रख के आता हूं। रोमांस के लिए दूध की नदियां बहा देते हैं, ताजमहल बनवा देते हैं। मैं गैस सिलेंडर नहीं उठा सकती, शौर उठा सकती हूँ। भारी है। कोई बात नहीं अनन्या, यू कैन डू इट। रेडी स्टेडी लॉक। फंस गई सोन चिड़िया पिंजरे में। कोई है? ये विंडो भी नहीं खुल रही। कोई है? प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प समबडी। कोई है? प्लीज हेल्प। चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है नन्हा, बिकॉज क्राई और प्रे नहीं छोड़ेगा रे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।